हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया पर। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम ओनली फॉर हाई क्वालिफिकेशन के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, इसमें देखो, इसमें चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि सैलरी इसमें आपको ज़्यादा मिल रही है। तो इसीलिए जो लोग भी है क्वालिफिकेशन, पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें मेरे को पूरा एसटीसी कंपनी तरफ से, एसटीसी ग्लोबल कंपनी तरफ से वैकेंसी है, ओके। इसमें आपको जॉब रोल क्या रहेगा, डेवलपर एंड टेस्टिंग के लिए आपको काम मिलेगा, ठीक है। जो हम लोग प्रोग्राम एनालिसिस करते हैं उसी का काम रहेगा। क्वालिफिकेशन बता दूं, बीई, बीटेक, आईटी, सीएससी, ईसीएस, ईई, एमसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सभी कैंडिडेट चलेगा 60% अबव आने के बाद। यानी कि जो लोग भी फर्स्ट डिविजन किए हुए हैं वो लोग को भी मिलेगा, प्लस आप लोग पास आउट होना चाहिए 2018 एंड 2019 के बैच का, ठीक है। 2020 जो लोग पास आउट किए हैं वो लोग को इसमें काम नहीं मिलेगा, दूसरा काम मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, ओके। एसटीसी ग्लोबल कंपनी, इसमें आपको काम नहीं मिलेगा। ओनली फर्स्ट कैंडिडेट 2018 टू 2019 पास आउट। क्वालिफिकेशन मैं डिस्प्ले में शो कर दूंगा। ये सब अगर क्वालिफिकेशन आप लोगों में से किसी ने भी किया हुआ है, मेल एंड फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रमोशन पीरियड आफ्टर 1 ईयर के बाद आपको प्रमोशन किया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन, सैलरी ऑफर्स आपको 3 लाख पर ईयर रहेगा, ओके। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लो पर मंथ का कितना निकल रहा है। जब 3 लाख हो रहा है तो डिवाइड बाय 12, जितना आएगा उतना आपको पर मंथ का सैलरी रहेगा, ओके। जॉब लोकेशन, 3 मंथ ट्रेनिंग इन बेंगलोर चेन्नई। 3 मंथ तक आपको बेंगलोर और चेन्नई रहना है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि दिस इज फॉर ओनली फॉर वर्क फ्रॉम होम, तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट आपको 3 ईयर के लिए रहेगा, 3 ईयर के बाद आपको और प्रमोशन मिल सकता है। जैसा कि ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था, मैंने बताया था कि 1 ईयर में आपको प्रमोशन मिल रहा है, ओके। राउंड 1 आपको ऑनलाइन होगा, जो कि टेक्निशियल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ होगा। सेकेंड राउंड में टेक्निशियल एंड एचआर, ये भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अभी जॉब तो मैंने बता दिया, क्या काम रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, चार्जेस आपको कितना पे करना पड़ेगा। देखो, सिंपल सा फंडा है, कंपनी वाला 6,000 रुपीज़ चार्जेस कर रहा है पर कैंडिडेट। उसमें से मेरा कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्यों, मेरा तरफ से ही आप लोग जा रहे हो। गणेश एजेंसी तरफ से जाओगे तो 3,000 रुपया तो आपको आँख बंद करके देना ही देना है, लेकिन ऑलरेडी जब आप पैसे दे रहे हो उसमें 6,000, तो ये 6,000 रुपया भी आपका पैसा ही है, ठीक है। इसीलिए मेरा तरफ से आपको बस इतना ही है कि जो लोग भी बीए कैंडिडेट है वो लोग बस मुझे 1,000 रुपीज़ पे करना है, ओके। 1,000 रुपीज़ पे करने के बाद आपको मैं कंपनी का डिटेल्स, यानी कि जो एचआर है उसका नंबर और ये प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, 2 कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, जो सैलरी पीरियड है वो ओनली रेफर बाय गणेश एजेंसी तरफ से ही मिलेगा। इनकेस आपने अगर वैसा नहीं करवाया, ठीक है, मेरे को नोट आउट नहीं करवाया और आपने ज्वाइनिंग कर लिया, तो इसमें आपको लॉस है। किस तरह से, आपका जो सैलरी रहेगा वो आएगा नहीं आएगा ये भी मैं कोई फिक्स नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आपको काम तो करा लिया जाएगा, आपसे चार्जेस भी ले लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका जो अभी आप लोग कोई भी ऑफिस नहीं देख रहे हो, सब है वर्क फ्रॉम होम, आपको कोई लेटर देगा अभी, और रियल है, फ्रॉड है, ये सब अगर मेरा थ्रू से होकर आपके पास जाता है तो आप लोग जानते हैं गणेश एजेंसी लोकेटेड इन बेंगलोर व्हाइटफील्ड लोकेशन, लेकिन आप लोग उसको नहीं जानते हैं, थर्ड पार्टी को बस मैं जानता हूँ, ओनली आप लोग नंबर से बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप लोगों को फ्रॉड होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। लेकिन अगर मेरा तरफ से कुछ फ्रॉड हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ओके, ये आप लोग मेरा थ्रू से जा सकते हैं। आप लोग जो भी बिल पेमेंट ये सब करेंगे सब मेरा थ्रू से करेंगे, ताकि कल दिन कुछ हुआ भी तो आपका प्रूफ रहेगा कि हाँ चलो मैंने गणेश एजेंसी को पे किया था, मेरे को गणेश एजेंसी से लेना है, बस इतना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, 1,000 दे के बाद में उधर डायरेक्ट आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, देखो पैसा तो इधर से भी देना है उधर से भी देना है, तो जब इधर से ही दोगे तो आपको भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही करो, ज़्यादा देखो अभी जॉब के कैटेगरी पे किसी कंसल्ट का आइडिया लेके चलना है, वो जो राय देगा उसी में आपको चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग अपना आइडिया लगा के काम कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, क्या होगा, इतना साल आपने क्या कर लिया जो अभी आप लोग कर लो। बी वाला को जॉब ही नहीं मिलता, रियली बता दूं मैं आपको, ठीक है। 10th 12th या जो लोग अनपढ़ा लिखा वो लोगों को बहुत जल्दी काम मिल जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी को इतना ही मुश्किल हो जा रहा है जितना खेत में सुई ढूंढना,
ये आप लोग ऑल ओवर लोकेशन कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। आप लोग बस अपना रिज्यूम मुझे सेंड करना है और साथ ही साथ 1000 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट, ताकि मैं वो लोग ओनली फिल्टर कैंडिडेट को ही चाहिए, मेरे को टाइम पास करने वाला तो मैं सुनूंगा ही नहीं। रिज्यूम भेज दिया, 1000 का कैश पेमेंट नहीं किया तो उनका मैं रिज्यूम फॉरवर्ड ही नहीं करूँ, बात ही नहीं करूँगा। जो भी है, आपको अगर काम चाहिए, देखो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मैं भी जब नया कंपनी टाइप करने के लिए जाता हूँ, वो लोग भी बोलता है कि तुम्हारा 10 लड़का ला के डालो, काम कराओ, उसके बाद लेके जाओ एग्रीमेंट। तो मैं जब इतना रिस्क लेता हूँ, एक एक लड़का का 1000, तो 10 मेंबर्स का 10,000 प्लस जितना दिन काम किया, अभी उसका सैलरी वो देगा नहीं देगा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना पड़ता है। क्यों है, लड़का लोग मुझे जानता है, अगर मंथ एंड तक अगर सैलरी नहीं दिया तो वो लोग मुझसे पूछेगा, ना कि कंपनी वाला को जाके पूछेगा कि सर आपने मेरा सैलरी क्यों नहीं दिया, ठीक है। वो लोग मेरे से पूछेगा, अगर इनके सैलरी नहीं दिया तो 15,000 × 10 कितना हो गया, ठीक है, प्लस जो मेरा लॉस हुआ, प्लस ट्रेवल, रूम का, खाने का, ये सब का खर्चा पूरा लॉस पे चला जाएगा। तो इतना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ मेरा ऊपर टेंशन लेके, ठीक है। तो आप लोग भी बस इतना ही करना, मेरे को ऑलरेडी बी वाला का बहुत सारा, एमएससी वाला का बहुत सारा कॉल आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, लेकिन मैं ओनली फिल्टर कैंडिडेट चाहता हूँ, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और सीरियसली होके काम करना चाहते हैं, बस वही लोग मेरे को चाहिए। देखो काम अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 1-3 लाख पर ईयर ये भी मिल रहा है, वो भी कम नहीं है, ठीक है। घर बैठे बैठे इतना भी कोई दे दे, 1 लाख ही मेरे को दे देना, मेरे को वही बहुत है। ओके, वो तो 3 लाख रुपीज दे रहा है, मैं खुद करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बीई मैंने किया नहीं है। अगर किया रहता है तो आज मैं कहाँ रहता है, गणेश एजेंसी में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो गणेश एजेंसी तरफ से ही आप लोगों को शुक्रिया करो कि मैं यहाँ पे हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कम से कम जॉब लेके आ रहा हूँ। ओके, जॉब अच्छा है और जो भी एचआर है वो मेरे जान पहचान का ही है, उतना कुछ खराब नहीं है, लेकिन कब किसकी नीयत खराब हो जाए या कब किसका एम्प्लॉय धोखा देता है अभी वो उसको मैं जानता हूँ। उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, रेफरेंस उसका है, लेकिन जाएगा आप लोग मेरे रेफरेंस से। तो इसीलिए जो लोग भी है, रिज्यूम सेंड करो, रिज्यूम सेंड करने के बाद फोन पे, गूगल पे, जो भी है, ऑफिस नंबर जो हम लोगों का स्क्रीन में शो हो रहा है, 8747023412, ये नंबर पे आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ओके, उसमें आप लोग फोन पे, गूगल पे करके स्क्रीनशॉट रख दो। इमीडिएटली जब व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो हम लोग चेक करते ही, हमारी टीम चेक करके, अगर आपने किया हुआ है तो आपको इमीडिएटली जो एचआर का नंबर ये सब रहेगा वो सब फॉरवर्ड करेंगे, आपका रिज्यूम कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ना हो, आराम से आप लोगों को काम मिले। मैं पहले ही बता दूंगा, देखो सर ये मेरा रेफरेंस से आया हुआ कैंडिडेट है, इसको एक्सपीरियंस है, ये कुछ भी मैं बता दूंगा अपना तरफ से, आप लोग उसका टेंशन मत लो, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको देखना है, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं देखूंगा। ओके, आपको जॉब लगाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लगाऊंगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है, अभी अनलिमिटेड वैकेंसी है, अनलिमिटेड मतलब 20 से 30 आदमी का वैकेंसी है, तो आप लोग 20-30 भी बहुत है बी वाला खोजने के लिए। अभी बी वाला तो इतना हो गया है कि एक अगर रोड में भी कोई पोस्टर डाल देता है ना बी के लिए कॉल करो, तो अनलिमिटेड फोन आने शुरू हो जाता है। ओके, तो हम लोग हर फील्ड में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर यूट्यूब पे ही आते हैं, अपना ऐप भी है, workindia.com से भी चलते हैं हम लोग, इनिट से भी, अपना खुद का गणेश एजेंसी एप्लीकेशन भी है, गूगल में वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी ऐसे ऐसे फेसबुक ग्रुप से चल रहा है गणेश एजेंसी जॉब्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हम लोगों की तरफ से चला। साथ ही साथ हमारे जो रेफरेंस है, जो कि हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी हमारे नाम से दूसरे दूसरे अकाउंट बनाए हुए हैं, वो लोग उससे थ्रू से चल रहे हैं, जैसे कि UMMS व्हाइटफील्ड, UMMS बेंगलोर, UMMS, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम से चला रहे हैं, गणेश एजेंसी जॉब्स इन बेंगलोर, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको फेसबुक पे ग्रुप मिल जाएंगे, फेसबुक पे आईडी मिल जाएगी, प्रोफाइल मिल जाएगी, वो सभी हमारे सपोर्टर ही है। ओके, तो इसीलिए आप लोग, लेकिन एक ही चीज़ बोलूँ, जब भी पेमेंट का बात आए तो ओनली फॉर जो ऑफिशियल नंबर है उसी में आपको पेमेंट करना है, किसी का भी पर्सनल नंबर पे ना आपको फोन पे करना है, ना गूगल पे करना है, ना अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जो भी है जानकारी अगर मेरे को मिला है तो ठीक है, अगर नहीं है, मेरे को कुछ भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो भाई आप जानो और वो जाने, ठीक है, बीच में मेरे को कोई भी इंटरफेयर नहीं। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।